आप सभी का स्वागत है। 25 नवंबर को लोकतंत्र के उत्सव को धूमधाम से मनाया गया। ब्यावर विधानसभा में 11 प्रत्याशियों के भाग्य की पेटियां 25 नवंबर को बंद कर दी गई। ब्यावर का विधायक चुनने में 69.82% जनता ने अपना योगदान दिया। कुल 2,57,723 मतदाताओं में से 1,79,934 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदाताओं के मताधिकार के प्रयोग के लिए निर्वाचन विभाग ने ब्यावर विधानसभा में कुल 276 और 3 सहायक बूथ, कुल मिलाकर 279 मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई, जहां पर शांतिपूर्वक मतदान पूर्ण हुआ। ब्यावर विधानसभा में कुल 2,57,723 मतदाताओं में से 1,31,045 पुरुष मतदाता हैं, जिसमें से 89,169 पुरुष मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। वहीं कुल 1,26,675 स्त्री मतदाताओं में से 90,764 स्त्री मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। ऐसे में कुल पुरुष मतदाताओं में से 68.4% पुरुष मतदाताओं ने, तो कुल स्त्री मतदाताओं में से बात करें तो 71.65% स्त्री मतदाताओं ने मत देकर अपनी जिम्मेदारी को निभाया। एक बार फिर ब्यावर का विधायक चुनने में स्त्री मतदाताओं ने पुरुषों की तुलना में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई है। थर्ड जेंडर की बात करें तो पूरी विधानसभा में से 3 थर्ड जेंडर है, उसमें से एक ने ही अपने मत का प्रयोग किया। कुल 279 बूथों में से 126 बूथों पर पुरुष तो 154 बूथों पर महिला मतदाता आगे रही। सबसे बड़ी खासियत यह रही कि किसी भी मतदान केंद्र पर 50% से कम मतदान नहीं हुआ। बिहार विधानसभा में धोलादाता 149 नंबर के बूथ पर सर्वाधिक मतदान हुआ। यही केवल एक ऐसा मतदान केंद्र था जहां का मतदान प्रतिशत 90 को पार कर सका और 262 कुल मतदाताओं में से 238 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर 90.84% मतदान का रिकॉर्ड बनाया। हालांकि इस बूथ पर मतदाता कम थे, लेकिन उपस्थिति के लिहाज से सर्वाधिक मतदान यहां पर दर्ज हुआ। इसके अलावा बिहार विधानसभा में 16 ऐसे बूथ थे जहां पर 80% से ज्यादा मतदान हुआ, जिसमें महज 2 शहरी और 14 ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए रहे। बात करें सबसे कम मतदान की तो इंदिरा नगर भवन बूथ नंबर 55 पर महज 53.65% मतदान हुआ, जिसमें 1,193 में से 640 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। हालांकि पूरी विधानसभा में पुरुष की तुलना में संख्या कम होने पर भी स्त्री मतदाताओं ने ज्यादा मतदान किया, लेकिन धोलादाता प्रथम 149 नंबर बूथ पर 134 में से 123 पुरुष मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग सर्वाधिक किया, जिसमें 91.79% उपस्थिति रही। वहीं अगर महिलाओं की उपस्थिति की बात करें तो इसी बूथ पर सर्वाधिक रही, जिसमें 128 में से 115 स्त्री मतदाताओं ने वोट किया, जिसका प्रतिशत जो रहा वो 89.94% रहा। सबसे कम उपस्थिति की अगर बात करने में तो बूथ नंबर 263 भालिया के धोलादाता गांव में महज 44.29% पुरुष मतदाता, वहीं बूथ नंबर 55 इंदिरा नगर भवन में 52.51% स्त्री मतदाता की सबसे कम उपस्थिति दर्ज की गई। अब बिहार विधानसभा की वोट गणित समझने के लिए हम इसे 4 भागों में बांट लेते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं 11 पंचायतों की, जिसमें 35,956 कुल मतदाता है। उसमें से 26,701 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, यानी कि 11 पंचायतों में 74.26% मतदाताओं ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। इसमें 18,354 पुरुष में से 13,328 तो 17,602 स्त्रियों में से 13,373 मतदाताओं ने अपने वोट डाले। प्रतिशत की बात कर लेते हैं, पुरुषों में से 72.61% तो 75.97% स्त्रियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कुल 37 बूथ यहां पर माने गए हैं, 20 बूथों पर पुरुष तो 17 बूथों पर महिला आगे रही, लेकिन वोट प्रतिशत के दृष्टिकोण से यहां पर महिलाओं ने बाजी मार ली। 11 पंचायत में अगर 7 बूथ ऐसे भी थे जिसमें 80% से अधिक मतदान हुआ, जिसमें मांडावास, ठीकराना गुजरान, लसाड़िया, जौहरखेड़ा, खिरनीखेड़ा, रोपाहेली, फतेहपुर शामिल है। इनमें फतेहपुर 21 नंबर जो बूथ था ऐसा बूथ है जहां पर सर्वाधिक 86.51% वोटिंग हुई और सबसे कम वोटिंग नोंद्री मेंद्रातान के बूथ नंबर 15 पर 61.20% रही। अब बात कर लेते ब्यावर शहर की। ब्यावर सिटी में कुल 96 बूथ बनाए गए जहां पर 1,04,400 मतदाता रजिस्टर्ड है और उसमें से 72,107 मतदाताओं ने अपना वोट डाला, जिसमें 37,501 पुरुष तो 34,606 स्त्री मतदाता शामिल रहे।
ऐसे में केवल ब्यावर सीटी में वोटिंग प्रतिशत 69.06 रहा। पुरुष मतदाताओं ने 70.86 तो स्त्री मतदाताओं ने 67.22% अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कुल 96 बूथ थे, उसमें से 82 बूथों पर पुरुष मतदाता और 14 बूथों पर महिला मतदाता आगे रही। शहर में सर्वाधिक मतदान जो था वो बूथ नंबर 48 पंचायती नसिया में दर्ज हुआ, जहां पर 642 में से 522 जो मतदाता थे उन्होंने वोट दिया और 81.31% मतदान प्रतिशत रहा। वहीं शहर में बूथ नंबर 55 जो कि इंदिरा नगर भवन का था, महज 53.65% मतदान हुआ। शहर में सबसे कम प्रतिशत यहां रहा। शहर में महज 2 ही बूथ थे जिनमें पंचायती नसिया और बंशी भवन, जहां पर मतदान प्रतिशत 80 को पार कर गया। अब हम बात कर लेते हैं जमाजा ग्रामीण क्षेत्र की। यहां पर 86,683 कुल मतदाता हैं, जिसमें से 60,589 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। प्रतिशत के रूप में बात करें तो 69.89% यह आंकड़ा रहा। इसमें 43,937 में से 28,770 पुरुष, 42,745 में से 31,818 स्त्री मतदाताओं ने अपने वोट डाले। प्रतिशत के तौर पर 65.48% पुरुष, 74.43% महिला मतदाता उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। यहां पर भी स्त्री मतदाताओं की संख्या कम होने के बावजूद पुरुषों की तुलना में स्त्री मतदाताओं ने बाजी मार ली और 8.95% पुरुषों की तुलना में आगे भी रही। हैरानी यह रही कि कुल 105 बूथों में से 87 बूथों पर महिला मतदाता आगे रही, जबकि 18 पर पुरुष मतदाता महिलाओं से आगे रहे। जबाजा ग्रामीण क्षेत्र में 8 बूथ ऐसे भी थे जिनका मतदान प्रतिशत 80 को पार कर गया। रतनपुरा सरदारा, सिरोला, खेजरला, ढोसला, रामसर बलैयान, बारिया, सिंगाड़िया, धोला, ये शामिल हैं वो क्षेत्र। पूरी विधानसभा में जावाजा जो ग्रामीण क्षेत्र है एकमात्र ऐसा हिस्सा है जहां पर 149 बूथ नंबर पर, धोरादाता कहा जाता है, सर्वाधिक 90.84% मतदान हुआ। वही जवाजा क्षेत्र में बारकोचरा क्षेत्र है, 202 बूथ नंबर है, जहां पर सबसे कम 56.52% मतदान हुआ। अब भाले क्षेत्र की बात कर लेते हैं। भाले क्षेत्र में भी महिला मतदाताओं ने बाजी मार ली। कुल 30,684 वोट थे, उसमें से 20,537 वोट डाले गए। इसमें 15,837 में से 9,570 पुरुष, 14,847 में से 10,967 महिला मतदाताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। प्रतिशत के तौर पे बात कर लेते हैं, 60.42% पुरुष और 73.86% स्त्री मतदाता की उपस्थिति रही, जो कि पुरुषों की तुलना में 13.43% ज्यादा रही। यहां कुल 41 में से 35 बूथों पर महिला आगे रही है। भालिया में सर्वाधिक मतदान जो था वो 258 जो बूथ नंबर है, रावरी तिलाखेड़ा है, 78.35% वहां पर सर्वाधिक रहा। और सबसे कम मतदान प्रतिशत 263 बूथ नंबर था, धोला में, जो कि 58.69% रहा। अब कुल मिलाकर चारों बेल्ट में से सर्वाधिक वोटिंग जो है 11 पंचायतों की रही, जहां पर 74% को वोटिंग पार कर गई। वहीं उसके बाद जवाजा और शहर की करीब 69% वोटिंग रही, भालिया की करीब 66% वोटिंग रही। जवाजा, भालिया और 11 पंचायत ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर महिलाओं ने बाजी मारी और तीनों प्रमुख क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में ज्यादा मतदान भी किया। वहीं शहरी क्षेत्र की बात करें तो पुरुषों ने ज्यादा मतदान किया। अब आपको बता दें कि मतदान के आंकड़ों के मुताबिक करीब 30,000 मत प्रत्याशियों को अपनी जमानत बचाने के लिए प्राप्त करने होंगे। इससे कम वोट होने पर प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो सकती है। ब्यावर सियासत के सिंहासन का सरताज कौन हो सकता है, इसका फैसला 3 दिसंबर को आना है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।